परिवर्तन पदयात्रा आपके द्वार हल्का लाड़वा के गांव से होते हुए बबैन पहुंची। इससे इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला के साथ युवा इनेलो नेता गगन बड़शामी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला का लोगों ने बबैन में पुष्प वर्षा कर ढोल नगाड़ों के साथ गर्म जोशी से स्वागत किया और दर्जनों लोगों ने इनेलो का दामन थामा। अभय सिंह चौटाला ने ग्रामीणों से उनकी फसल बाड़ी और हाल चाल के बारे पूछा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों के 2022 तथा उनकी आमदनी दुगनी करने का वायदा किया था और पूछा कि क्या आप लोगों की आमदनी दुगनी हो गई है। जनसभा में मौजूद किसानों ने कहा कि आमदनी दुगनी नहीं हुई बल्कि खर्चे दुगने हो गए हैं। इनेलो नेता ने महिलाओं से भी पूछा कि प्रधानमंत्री ने आपको गैस सिलेंडर मुफ्त देने का दावा किया था, क्या गैस सिलेंडर मुफ्त मिल रहा है? तो महिलाओं ने कहा कि 1150 रुपए में मिलता है। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ गई है, खाद बीज और कीड़े मार दवाई महंगी हो गई है। जहां महंगाई बढ़ गई वहीं भ्रष्टाचार बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई, नशा बढ़ गया, जिसके कारण अपराध बढ़ गया। उन्होंने कहा कि पहले सुनते थे कि पंजाब के बच्चे विदेशों में जाकर नौकरी और कारोबार करते हैं, अब हरियाणा भी पीछे 4 वर्षों से जब से भाजपा जजपा की सरकार बनी है तब से कोई गाँव ऐसा नहीं है जहाँ पर 50 से 100 बच्चे विदेश ना चले गए हों। बच्चे विदेश जाने के लिए अपने माँ बाप को जमीन बेचने पर मजबूर करते हैं। सरकार की गलत नीतियों के कारण ही बच्चे विदेश जा रहे हैं। जनसभा में मौजूद लोगों से अभय ने पूछा कि क्या आप लोग इस जन विरोधी भाजपा जजपा की सरकार को बदलना चाहते हो? तो सभी ने एक सुर में कहा कि बदलना चाहते हैं। अभय ने पूछा कि जहां आप सब लोग मौजूदा सरकार को बदलना चाहते हैं वहीं क्या हम भी भरोसा करेंगे या नहीं? सभी ने कहा कि 100% भरोसा है और आपकी बार इनेलो की सरकार बनाएंगे। पहले बोलने वाले जो वक्ता थे उन्होंने आपके सामने आज के हालात पे चर्चा करी। इस देश में प्रदेश में भाजपा का शासन पड़ने के बाद किस किस्म के हालात रहे, हमें किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, आज कैसे हालात हैं, इन सब में खुल करके सब साथियों ने चर्चा करी। अगर मैं इन बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। साथियों याद करो, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वायदा किया था और कहा था कि अगर भाजपा दोबारा शासन में आई तो किसान की फसल के दाम 2022 में 2 गुना कर दूंगा। 2022 का साल बीत गया, किसान की फसल के दाम 2 गुना करने की बजाय 3 गाड़ी कानून बना दिया। ऐसे कानून से अगर आज रह जाते तो किसान अपनी जमीन से बेदखल हो जाता। बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने जो है वो हमारी जमीनों के मालिक बन जाते। हालात इस किस्म के भी हो सकते थे कि बतौर नौकर हमें अपनी जमीन पे काम करना पड़ता। 13 महीने आंदोलन चला, पंजाब हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के किसानों ने अपना घर बार परिवार खेत सब छोड़ करके कैसे काले कानून वापिस हो इसके लिए 13 महीने लड़ाई लड़ी। 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। आखिर देश के प्रधानमंत्री को ये बात समझ में आ गई कि किसान मर सकता है, किसान आंदोलन वापिस नहीं लेगा जब तक तीनों का एक कानून नहीं हो वापिस नहीं होंगे। आखिर 13 महीने के बाद तीनों का एक कानून वापिस हुए। हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहकर के आंदोलन समाप्त कराया था कि MSP का कानून बनाऊंगा, लोगों ने विश्वास किया, भरोसा किया, आंदोलन वापस हो गया। आज भी MSP का कानून नहीं है, इसके लिए आज भी किसान को उसकी फसल के दाम पूरे नहीं मिलते। आज महंगाई बढ़ गई, डीजल महंगा हो गया, खाद महंगा हो गया, बीज महंगा हो गया, उसके साथ साथ कीड़े मार दवाइयां महंगी हो गई। जहां महंगाई बढ़ गई वहां बेरोजगारी बढ़ गई। पढ़े लिखे बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था साथियों खत्म होगी। आज नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। आज दिल्ली पंचायतों के सरपंच जो है जिन्हें कहा यह गया था कि तुम्हें ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे,
अधिकार देने के बजाय उनके अधिकारों को खत्म करने का काम सरकार ने किया। आज सरपंच भी लापल होकर के शरारत सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने सरकार को बदलना चाहते हैं। अब तक 71 विधानसभा क्षेत्र किए हैं कवर और 164वां दिन है आज यात्रा का। 3000 से किलोमीटर से ज्यादा का सफर किया। उसके साथ साथ 1500 से ज्यादा गांव और शहर कस्बे किए। हर रोज 10-12-15 गांव में लोगों से संपर्क करते हैं। बीच में कोई शहर आ जाता है, कोई कस्बा आ जाता है, वहाँ भी लोगों से मिलते हैं। जहाँ गांव का आदमी दुखी है सरकार से, वहाँ शहर का आदमी और ज़्यादा परेशान है। शहरों के अंदर एक प्रॉपर्टी आईडी बना दी जिससे हर आदमी को परेशानी है। उसके अलावा हाउस टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, उससे दुखी है। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है शहर में। पीने का पानी ये बाजार में दुकान करने वाला है वो भी बोल लेता है और घर में रहने वाला भी बोल लेकर के पीता है। आबादी बढ़ी है लेकिन आबादी के साथ सरकार ने सुविधाएं नहीं बढ़ाई। हमारे राज में सेक्टर कटते थे तो उसमें सीवरेज का सिस्टम लगता था, उसमें पीने के पानी की व्यवस्था होती थी, उसमें डिस्पेंसरी बढ़ती थी, उसमें बच्चों के खेल के मैदान बनाए जाते थे, उसमें पार्क बनाए जाते थे और सस्ते दाम के ऊपर मीडियम क्लास के लोगों को उसमें 100 गज का, 200 गज का, 500 गज का प्लाट मिलता था। हर आदमी उस सुविधा से फायदा उठाता। अब जो सेक्टर बंद कर दिए, पिछले 19 साल से हरियाणा प्रदेश में इन दोनों सरकारों ने कोई एक सेक्टर नहीं काटा। प्राइवेट कॉलोनियां कटती है, अनऑथराइज्ड कॉलोनियां बनती है जिनमें कोई सुविधा नहीं है, ना पानी का कनेक्शन, ना बिजली का कनेक्शन, ना सीवरेज का कनेक्शन, ना सड़क का कनेक्शन। पहले अपने चाहते लोगों से बनवा दी जाती है और फिर नोटिस दे करके तोड़ने के नाम के ऊपर भी सत्ता में बैठे लोगों से पैसा लेते हैं, अपनी मर्जी के अधिकारी लगवा रखे हैं, फिर उन अधिकारियों को कहते हैं जाओ इनको जा करके नोटिस दे, और फिर वो नोटिस के बदले में उन नेताओं के पास जाते हैं, फिर उनसे कहते हैं इतने पैसे लगेंगे हम तुम्हारा जो एक बार ही रुका देंगे, अगला मकान टूटने के दूसरे पैसे देते हैं। शहर का आदमी आज जिसने बीजेपी को सत्ता में लाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, अब की बार भाजपा को सत्ता से बाहर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। गांव के अंदर स्कूलों में मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, सड़कें सारी टूटी हुई हैं, खेल के मैदान नहीं है बच्चों के, पीने के पानी का कोई प्रबंध नहीं है। 42 दिन से कनाल वाटर मिलता है खेत के लिए, 42 दिन में किसी की खेती नहीं पक सकती। उसके साथ साथ बिजली की हालत और ज़्यादा बुरी है, बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, 8-8, 10-10 हज़ार रुपया मामूली घर जो है उनके घरों के इतने बिल हैं। किसी ने अगर घर में 2 AC लगा लिया उसके तो 20-20 हज़ार रुपये का बिल भी आ गया, ये हालत है सर। 2 दिन पहले खबरनामा हरियाणा के लिए भवन से राजेश शर्मा की रिपोर्ट।